Hey guys, welcome back to our channel Wondering Brush by YTM. आज थोड़ा अलग ट्राई करने का मन कर रहा था, सो हम लोग एक ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ मेरा फेवरेट क्यूजिन मिलता है एंड विच इज़ कोरियन. सो मैं आज आई हूँ कैफे अंदांते पे. ये कैफ़े है चंपाशारी में. कंप्लीट लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. सो हमने मेनू में से भी कुछ डिशेस ऑर्डर किए हैं. सो देखते हैं कि क्या क्या है और उसका टेस्ट कैसा है. अभी हम लोग के पास यहाँ सब कुछ आ गया है, तो ये ट्राई करते हैं. लेमनेट नॉर्मल लेमनेट है. रिफ्रेशिंग है बहुत. सो नेक्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे मैंगो का एक ड्रिंक. मैंगो का सीज़न चल रहा है, सो ये तो ट्राई करना बनता है. इसका नाम है मैंगोइट. लेट्स ट्राई. लेमनेड टाइप का ही है, मैंगो फ्लेवर का है एंड मैंगो का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है इसमें. सबसे पहले मैं ट्राई करने जा रही हूँ किम्बप विथ चिकन सॉसेजेस. सो देखते हैं. सभी मैं सोया सॉस के साथ थोड़ा सा डिप करके ट्राई करूँगी. एंड ऑब्वियसली ये मेरा फेवरेट है, तो मुझे वैसे भी अच्छा लगेगा. बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, वो सबके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा. यहाँ पे किमची दिया हुआ है जो इन्होंने खुद बनाया है. यहाँ पे मिलता भी है किमची, ये लोग सेल करते हैं. सो अगर आप लोगों को किमची अच्छा लगता है तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो. तो मैं एक बार ट्राई करती हूँ. बहुत टेस्टी है. आप लोगों को एटलीस्ट एक बार ट्राई करना चाहिए किमची. सो हम लोग नेक्स्ट ट्राई कर रहे हैं ज्योंग डिब्बा. बेसिकली ये बहुत सारे वेजीज विथ चिकन स्पाइसी एक सॉस के साथ बनाया जाता है एंड स्टीम राइस के साथ सर्व किया जाता है. नॉर्मली ये पोक में मिलता है, बट यहाँ पे आपको चिकन में भी मिलेगा. तो हमने चिकन ऑर्डर किया. सॉस थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर है सॉस का एंड स्पाइसी है. वेजीज के साथ जो कॉम्बिनेशन है स्पाइस और टैंगीनेस का बहुत अच्छा लग रहा है. चिकन के साथ भी अच्छा लग रहा है. अगर आप लोगों को पोक अच्छा लगता है तो आप लोग पोक भी ट्राई कर सकते हैं. अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं बिबिम्बप सूप. ये एक ट्रेडिशनल कोरियन नूडल्स है जो बहुत स्पाइसी होता है नॉर्मली एंड इसको आइस के साथ सर्व किया जाता है. बेसिकली समर के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड इसमें नूडल्स के साथ कुछ वेजिटेबल्स और एग के साथ ये सर्व किया गया है. सो देखते हैं कैसा है. बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्पाइसी नहीं है, बट जो लोग स्पाइस बिल्कुल भी नहीं खाते उनके लिए थोड़ा सा लग सकता है, बट टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है. सो इसका जो यूनिकनेस है वो है कि इसको ठंडा सर्व किया जाता है, ना कि गरम सूप के साथ. इसमें आइस डाला जाता है सर्व करते टाइम. सो ये थोड़ा सा बाकी नूडल्स से यूनिक है इस चीज़ की वजह से. सो अभी आ रही है इंटरेस्टिंग पार्ट और वो है डेजर्ट. तो हमने ऑर्डर किया है कैरेट केक. तो देखते हैं कैसा लगता है. बहुत
बहुत फ्रेश है एंड सिनेमन का टेस्ट आ रहा है जो कि कैरेट केक में मेन पार्ट है सिनेमन, उसका टेस्ट बहुत अच्छे से आ रहा है एंड बटर क्रीम के साथ बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मस्ट ट्राई है। तो आप लोग यहाँ पे अगर आओ तो कैरेट केक एटलीस्ट ट्राई करना क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सो यहाँ पे ये छोड़ के भी और भी बहुत सारे कोरियन डिशेस अवेलेबल है, प्राइसिंग वाइज एम्बियंस वाइज ये जगह बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप लोग अपने लव्ड वन के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं या आप अपने आप को भी अगर टाइम देना चाहते हैं तो यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, यहाँ के डिशेस ट्राई कर सकते हैं क्योंकि एम्बियंस बहुत अच्छा है एंड आप लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहने वाला है। सो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, टिल देन टेक केयर एंड बाय।